भूमिगत आग और राजनीतिक तपिश से झुलस रहा छरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को है अपने कर्तव्य का बोध। सड़क से सदन तक उठा रही आवाज, विधायक कहती हैं, जनता से काल्पनिक वायदा नहीं किया है, मेरा प्रयास लगातार रहेगा जारी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। धरती के सीने पर उकेरी अनगिनत दरारों से उफनती कर्म जहरीली गैस, जमीन इतनी कर्म कि आपके जूते के तले गल जाएं, हवा सांस लेने के लिए ना काफी। ये है झारखंड का छरिया विधानसभा क्षेत्र, ये क्षेत्र जल रहा है। सरकार कहती है कि पूरे शहर के नीचे चलती हुई आग है, वो भी पिछले 100 सालों से। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आग झरिया शहर को 3 तरफ से घेर चुकी है। इसे बुझाने के लिए अब तक 2,311 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन स्थिति हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। वहीं एक सच्चाई ये भी है कि झरिया न केवल भूमिगत आग से जल रहा है, बल्कि यहां सियासी तापमान से भी लोग झुलस रहे हैं। साथ ही माफिया गिरी एवं गैंग वॉर की आग भी कम नहीं है। इन सब के बीच यहां के लोग एक उम्मीद में रह रहे हैं, और इस बीच उनकी उम्मीदों को पंख भी मिला है। झरिया के इतिहास में ये पहला मौका है जब झरिया की बुनियादी समस्याओं को लेकर कोई जनप्रतिनिधि इतना सजग और मुखर हो। हम बात कर रहे हैं झरिया से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की। वो झरिया विधानसभा की मूल बुनियादी समस्या विस्थापन, भूमिगत आग, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदूषण को लेकर लगातार न केवल सड़क से सदन तक आवाज उठा रही हैं, बल्कि अपने स्तर से समस्याओं के समाधान के लिए जद्दोजहद भी कर रही हैं। पूर्णिमा को झरिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ धनबाद जिला ने वीरांगना की उपाधि से अलंकृत किया है। पूर्णिमा कहती हैं, संसाधन विकास लाते हैं, समाज की तरक्की में हिस्सेदार होते हैं, लेकिन यही संसाधन जीवन को दूभर भी बना सकते हैं। झरिया की कोयले की खदानों में काम करने वालों की जिंदगी ऐसी ही कहानी बयां करती है। मुझ पर भरोसा करते हुए झरिया की जनता ने 52 वर्षों के बाद ऐतिहासिक बदलाव किया है। झरिया की जनता ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, उन पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगी। झरिया की सबसे बड़ी समस्या आग, विस्थापन और पुनर्वास है, इसका निराकरण सही तरीके से हो, ये मेरी सबसे पहली कोशिश होगी। झरिया विधानसभा क्षेत्र की त्रासदी और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रही झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के जुझारू संघर्ष पर प्रस्तुत है आजाद सिपाही के धनबाद जिला ब्यूरो हेड मनोज मिश्र की विस्तृत रिपोर्ट। देश की संसद में महिलाएं अब तक 33% आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही हैं। उसी देश के दूसरे कोने में ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने हिस्से का संघर्ष कर छोटी बड़ी राजनीतिक कामयाबी तक पहुंच रही हैं। महिला नेता अब पहले की तरह पुरुषों की परछाई में दुबकी नहीं रही, बल्कि उससे बाहर नुमाइंदगी कर रही हैं, दिशा दिखा रही हैं, वो भी बिना डरे बिना घबराए। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही ऐसी ही जुझारू महिला नेताओं में शुमार हो गई हैं। निडरता से संघर्ष की वेदी पर झोंका, गरीबी और लाचारी के बीच संघर्ष के बूते कर्पूरी ठाकुर देश की सियासत का केंद्र बन गए। अपनी चिंता छोड़ विकास से वंचित दलित, अकलियत और पिछड़े को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर समतुल्य बनाने को निरंतर संघर्ष जारी रखा। ठीक उसी तरह अपनी चिंता छोड़ विकास से वंचित दलित, अकलियत और पिछड़े को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर समतुल्य बनाने को लेकर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने मुखर होने के साथ संघर्ष की वेदी पर अपने आप को झोंक दिया है। पति पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के बाद से पूर्णिमा भूमिगत आग, सियासी आग और माफिया गिरी की तपिश के बीच से कुंदन बनकर झरिया क्षेत्र के लोगों के लिए उभरी हैं
और झरिया क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं, आवश्यकताओं, समस्याओं के निराकरण के लिए जो झारू तरीका अपनाते हुए पिछले एक साल से सड़क से सदन तक आवाज बुलंद कर रही हैं, तभी तो झरिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ धनबाद जिला के लोग पूर्णिमा की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पूर्णिमा कहती हैं कि झरिया में विस्थापन, पानी प्रदूषण और आउटसोर्सिंग में रंगदारी बहुत बड़ी समस्या है। इसका हर संभव निदान किया जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनियों को हर हाल में मजदूरों को हाई पावर कमेटी द्वारा पास न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। उसको दिलाने की शुरुआत मेरे पति नीरज सिंह ने ही की थी, अब हम उसे दिलाएंगे। झरिया में अब गोली बंदूक के बल पर मजदूरों का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। मजदूरों को उनका हक देना ही होगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्याप्त संसाधन और राशि दी जाती है, लेकिन राशि खर्च नहीं होती। अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकारी कंपनी BCCL हो या आउटसोर्सिंग कंपनी, उन्हें प्रदूषण नियंत्रण के लिए हर हाल में पानी का छिड़काव करना ही होगा। पति के सपनों को पूरा करने का आधार मिल गया है। वो चाहते थे कि उनके सामने कोई परेशान और दुखी व्यक्ति आए तो उसकी वो मदद करें। हम भी उनके बताए इस रास्ते पर चलेंगे। हर उस व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करेंगे जो सरकारी तंत्र या किसी अन्य व्यवस्था में फंसा और लाचार है। ऐतिहासिक शहर झरिया करीब 250 वर्ष पुराना है। 1890 में अंग्रेजों ने इस शहर में कोयले की खोज की थी, तभी से झरिया में कोयले की खदानें बना दी गई। देश की इस कोल कैपिटल में 1916 को भौरा में आग लग गई, जो वक्त के साथ फैलती गई। ये आग आज कई बस्तियों को निगल चुकी है। झरिया शहर को भी निगलने को तैयार है। भू धसान, गौफ, मकानों में दरार और हवा में जहरीली गैस यहाँ की पहचान बन चुकी है। बावजूद न तो कोयला कंपनी BCCL ने आग बुझाने के पुरजोर उपाय किए, न ही जनप्रतिनिधियों ने बड़ी कोशिश की। फल स्वरूप भूमिगत आग और विस्थापन की समस्या बढ़ती गई। यहां तक कि RSP कॉलेज को झरिया से बेलगढ़िया शिफ्ट कर दिया गया। RSP परिसर में स्थित माडा का मुख्य जलागार खतरे में है। शहर में आग घुस रही है। भूमिगत आग ने कई लोगों की जान भी ले ली है तो कई दिव्यांग हो गए। झरिया शहर की सीमा इंदिरा चौक, घनुडीह, कोयरी बांध, कुकुरतोपा और लिलोरी पथरा तक आग पहुंच चुकी है। कोयलांचल की 595 साइटों में आग, भू धसान और गैस रिसाव से लोग प्रभावित हैं। इन खतरनाक इलाकों में हजारों परिवार रह रहे हैं। कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। सरकारी तंत्र दावा करता है कि जमीनी आग को बहुत हद तक काबू में किया गया है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और है। अंग्रेजों द्वारा सन 1890 में धनबाद के पास पहली बार कोयले की खोज होने के बाद से ही शहरीकरण शुरू हो गया। धनबाद बनता गया और झरिया पिसता गया। निवासी मानते हैं कि धनबाद की जो रौनक आज है वो झरिया की देन है। झरिया न होता तो धनबाद कभी आबाद नहीं होता। उसी धनबाद के जन प्रतिनिधियों ने अपने एजेंडे में कभी झरिया को नहीं रखा। वर्तमान झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह बिना राजनीतिक गुरु, बिना मार्गदर्शक के जिस तरह रघुकुल परिवार का ख्याल रख रहे हैं, जमसा यूनियन की बागडोर संभाल रही हैं, झरिया विधानसभा क्षेत्र की मूल समस्या को लेकर मुखर हैं, ये काबिले तारीफ है। उनके सामने झरिया को बचाने, पुनर्वास जैसी कई चुनौतियां हैं। पूर्णिमा कहती हैं, झरिया की जनता से काल्पनिक वायदे नहीं किए हैं, वायदा पूरा करने के लिए प्रयासरत रहूंगी। जनता इस पर विश्वास भी कर रही है। कहते हैं, प्रयास से ही रास्ते निकलते हैं। पूर्णिमा का प्रयास निश्चित रूप से झरिया के लिए कोई राह निकालेगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।